हेलो एवरीवन, आई एम तनुजा सनवाकर फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट, भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज। टुडेज अवर टॉपिक इज अरविंद। यानी अरविंद जो इंडियन फिलोसोफर थे, एक तरह से ये इंडियन फिलोसोफर थे, और ये जो अरविंद जी हैं वो चैप्टर टू से बिलोंग करते हैं, कि जो हमारे इंडियन फिलोसोफर है चैप्टर टू, उसमें से एक हमारे इंडियन फिलोसोफर है महर्षि अरविंद जी। तो उनके अनुसार से क्वेश्चन इस टाइप का, यानी ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है, महर्षि अरविंद के शिक्षा दर्शन को स्पष्ट कीजिए, या इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि महर्षि अरविंद के अनुसार से शिक्षा के क्या उद्देश्य, उन्होंने क्या उद्देश्य बताए, या शिक्षा के उद्देश्य महर्षि अरविंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो हमारा ये जो ये है आंसर है वो ओवरऑल आप लोग को देना है, जितना आप लोग लिख सकते हैं इससे रिलेटेड, आप लोग जितना अरविंद, महर्षि अरविंद से रिलेटेड आपको जितनी चीजें आपको याद रहेंगी, जैसे उनके अनुसार से शिक्षण विधि, आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है महर्षि अरविंद के अनुसार शिक्षण विधि को स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये ओवरऑल आपको जितना भी आपने नोट्स बनाए हैं महर्षि अरविंद को लेके, वो सब कुछ आपको क्लियर करते जाना है। मेंशन तो आप इनकी रूपरेखा जो देंगे उसमें सब कुछ आप मेंशन करेंगे, जैसे सबसे फर्स्ट तो ये प्रस्तावना होता है जिसको बोलेंगे इंट्रोडक्शन, देन हर बार की तरह अर्थ शिक्षा का अर्थ, महर्षि अरविंद के अनुसार से शिक्षा के क्या अर्थ थे, देन महर्षि अरविंद तथा शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, देन महर्षि अरविंद तथा पाठ्यक्रम, देन महर्षि अरविंद तथा शिक्षण विधि, देन महर्षि अरविंद तथा अनुशासन, उनके अनुसार से डिसिप्लिन कैसे होने चाहिए, देन महर्षि अरविंद के अनुसार से छात्र कैसे होने चाहिए, देन महर्षि अरविंद तथा टीचर यानी शिक्षक कैसे होने चाहिए। तो ये पूरा सिनॉप्सिस आपने जितना भी रेडी किया हुआ है महर्षि अरविंद जी को लेके, जो इंडियन फिलोसोफर है वो, उनके लेके आप ये सिनॉप्सिस इस तरीके से अच्छे से क्लियर फर्स्ट पेज में आप मेंशन करेंगे। लास्ट आपको यह उपसंहार या कंक्लूजन करना ही होता है, मेंशन करना ही होता है, और लास्ट आता है आपका ये संदर्भित ग्रंथ या रेफरेंस जिसको बोलेंगे, जिससे आपने ये पढ़ा हुआ है, ये महर्षि अरविंद का जो भी आपने पढ़ा हुआ है। तो सबसे फर्स्ट आपका ये आता है प्रस्तावना, या जिसको कहेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन। तो आप ये इंट्रोडक्शन इस तरीके से लिख सकते हैं, जो भी था उनका, कि श्री अरविंद का जन्म सन 1872 में कोलकाता में हुई थी, यानी जो भी उनका इंट्रोडक्शन है, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उन्हें शिक्षा प्राप्त के लिए उनके पिता ने मात्र 6 से 7 वर्ष की आयु के बीच इंग्लैंड भेज दिया, उनको बाहर जाना पड़ा, यानी उनके फादर ने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया उनके स्टडी के लिए। यहाँ अरविंद जी ने महान लेखक एवं कवियों की मौलिक रचनाओं का अध्ययन किया, उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने भारतीय सिविल सेवा ICS जो कि सस्तम सेवा थी, की परीक्षा पास की, परंतु घुड़सवारी में शामिल न होने के कारण उन्होंने अपने को युक्त पाया। 1893 में भारत लौट आए और 1905 में बंग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उन्हें बंगाल का विभाजन स्वीकार नहीं था, उन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध एक प्रखर क्रांतिकारी के रूप में ख्याति प्राप्त की। इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, ओवरऑल जैसे आप बता सकते हैं कि अरविंद जी जो है उनका जन्म है वो कोलकाता में हुआ था, उनके फादर ने उन्हें छः से सात वर्ष के थे तभी उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ गया, और वहाँ पे उन्होंने कई टाइप के भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त किया उन्होंने, और जब वो 18 वर्ष के थे तब उन्होंने सिविल सेवा जो ICS की परीक्षा पास की, पर घुड़सवारी में शामिल ना होने की वजह से वो इस सेवा से उन्होंने अपने आप को युक्त पाया। तो इस तरीके से आप उनका इंट्रो दे सकते हैं। आगे हम बात करेंगे शिक्षा के अर्थ, महर्षि अरविंद के अनुसार से
शिक्षा के क्या अर्थ थे। तो उन्होंने शिक्षा के अर्थ के लिए बताया कि उनका मानना था कि सूचनाओं का संग्रह मात्र शिक्षा नहीं है, सूचनाएं ज्ञान का नींव नहीं हो सकती, वे अधिक से अधिक वह सामग्री है जिसके द्वारा जानने वाला अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकता है। वे वह बिंदु है जहां से वो ज्ञान को आरंभ किया जाए या नई खोजों को निकालना शुरू किया जाए। वह शिक्षा को अपने को ज्ञान देने तक सीमित रखती है, शिक्षा नहीं है। इस प्रकार कहा जा सकता है उन्होंने शिक्षा को अति व्यापक व गतिशील स्वरूप प्रदान किया है। उन्होंने इसकी व्याख्या प्राचीन परंपराओं के आधार पर की है। उनके अनुसार से शिक्षा मानव के मस्तिष्क तथा आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है, यह ज्ञान चरित्र और संस्कृति का उत्कर्ष करती है। तो उन्होंने शिक्षा की परिभाषा ये दिया हुआ है कि उनके अनुसार शिक्षा मानव के मस्तिष्क, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, शिक्षा मानव के मस्तिष्क तथा आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है, यह ज्ञान चरित्र और संस्कृति का उत्कर्ष करती है। तो ये तो क्लियर कर दिया हमने उनका इंट्रोडक्शन किस टाइप से लिखेंगे, है ना, कि कैसे वो गए, वो बाहर गए और उन्होंने क्या क्या परीक्षाएं पास की एक्सेट्रा। देन शिक्षा का अर्थ, उनके अनुसार से शिक्षा के क्या अर्थ थे वो लिखेंगे। देन शिक्षा के अर्थ के बाद हमने जो मेंशन किया हुआ है शिक्षा के उद्देश्य, महर्षि अरविंद के अनुसार से शिक्षा के उद्देश्य, तो आगे हमारा ये बनता है शिक्षा के क्या उद्देश्य है। तो उनके अनुसार से शिक्षा के ये सारे उद्देश्य थे कि बालक की शारीरिक शुद्धि करना तथा उनके शरीर का पूर्ण विकास करना। हमारा एक उद्देश्य, यानी महर्षि अरविंद के अनुसार से शिक्षा के ये उद्देश्य थे कि बालक की शारीरिक शुद्धि करना तथा उनका शरीर का पूर्ण, यानी एक तरह से शारीरिक विकास करना। नेक्स्ट है उनका उद्देश्य बालक की चित्त संबंधी क्रियाशील को उन्नत करके अंतकरण का विकास करना। उनका मतलब ये है, अंतकरण का मतलब इनकी अंतर्निहित जितनी भी शक्तियां हैं बालक में, जितने भी क्वालिटीज हैं उनके अंदर, उसका विकास करना। नेक्स्ट उद्देश्य है बालक की स्नायु शुद्धि, चित्त शुद्धि तथा मानव शुद्धि करके उनकी इंद्रियों के उचित प्रयोग का विकास करना। तो ये उद्देश्य उन्होंने बताए हैं। और आगे और उनके उद्देश्य हैं, लिख सकते हैं हम, बालक की अभिरुचियों के अनुसार उनकी स्मृति, कल्पना, चिंतन और निर्णय शक्ति का विकास करके उनका मानसिक विकास करना है। यानी एक उद्देश्य एक और है इनका कि मानसिक विकास करना। शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया। नेक्स्ट हो गया बालक की प्रकृति, आदतों तथा भावनाओं को शुद्ध सुंदर बनाकर उनके हृदय का परिवर्तन करना तथा उनकी नैतिकता का विकास करना, यानी कि बालकों में, यानी कि जो स्टूडेंट है उनमें नैतिक विकास भी करना। नेक्स्ट है बालक की वैयक्तिक और प्रच्छन्न शक्ति पूर्णता की ओर अग्रसित करके उनका आध्यात्मिक विकास करना। यानी कि ओवरऑल कहा जा सकता है उनने शारीरिक विकास पर भी बल दिया, मानसिक विकास पर भी बल दिया, नैतिक विकास पर भी बल दिया और आध्यात्मिक विकास पर भी उन्होंने बल दिया। नेक्स्ट है बालक को तथ्य संग्रह करने और निष्कर्ष निकालने का अभिश्रम देकर उनकी तर्क शक्ति का विकास करने, यानी कि बालक को ऐसे वर्क दिए जाए, ऐसे कार्य दिए जाए कि उनमें उनका तर्क शक्ति का विकास हो, यानी कि वो तर्क कर सके। तो ये थे महर्षि अरविंद के शिक्षा के उद्देश्य, के उनके हिसाब से शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य थे। आगे हम डिस्कस करेंगे महर्षि अरविंद तथा पाठ्यक्रम, यानी महर्षि अरविंद जी ने शिक्षा के पाठ्यक्रम क्या होने चाहिए इसके बारे में उन्होंने अपने वो दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं। तो फर्स्ट है छात्र की, उनकी जो पाठ्यक्रम कैसे होने चाहिए, पाठ्यक्रम होने चाहिए छात्र की रुचि के अनुसार। नेक्स्ट है भौतिक और आध्यात्मिक। नेक्स्ट है विश्व ज्ञान में रुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट है तीन स्तर पर पाठ्यक्रम का ज्ञान। नेक्स्ट है जीवन क्रियाओं पर आधारित पाठ्यक्रम। और नेक्स्ट है व्यवसायिक शिक्षा। तो इसे हम एक एक करके एक्सप्लेन करते जाएंगे। फर्स्ट था छात्र की रुचि के अनुसार। छात्र की रुचि के अनुसार यानी कि मेन तो बच्चा होता है, बालक होता है, बालक ही केंद्र होता है शिक्षा का।
तो बिना रुचि के छात्र अध्ययन ग्रहण नहीं करना चाहता, यानी कि बालक जब तक पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है तब तक वह अध्ययन नहीं करना चाहेगा, पढ़ाई नहीं करेगा। इसलिए पाठ्यक्रम कैसे होने चाहिए, छात्र के रुचि के अनुसार होना चाहिए। बच्चा जिस पाठ्यक्रम में जिस सिलेबस में रुचि रखता है वैसे ही पाठ्यक्रम बच्चों को होने चाहिए। नेक्स्ट है भौतिक और आध्यात्मिक। महर्षि अरविंद के अनुसार उनका मानना ये था कि हमारा पाठ्यक्रम भौतिक और आध्यात्मिकता से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब बालक विद्यालय से निकलकर समाज में जाता है तो उन्हें अनेक प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिकता का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है विश्व ज्ञान में रुचि उत्पन्न करना। तो संसार के अंदर जो कुछ भी चल रहा है या हमारा जो विश्व है या राष्ट्र है उनमें अपना योगदान तभी दे सकते हैं जब उनमें रुचि होगी। यदि उनमें रुचि नहीं है तो उनका सर्वांगीण विकास नहीं होगा। नेक्स्ट है तीन स्तर पर पाठ्यक्रम का ज्ञान। तो ये इनको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बालक को तीन स्तर पर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और विश्वविद्यालय स्तर। यानी कि वो तीन स्तर पाठ्यक्रम कैसे होने चाहिए, एक प्राथमिक स्तर पर, एक माध्यमिक स्तर पर और एक विश्वविद्यालय स्तर पर। नेक्स्ट है जीवन क्रियाओं पर आधारित। अरविंद जी ने जीवन क्रियाओं पर आधारित पाठ्यक्रम का को प्रोत्साहन किया। तो अरविंद घोष जी कहते हैं कि हमारा जो भी पाठ्यक्रम जीवन की उपयोगी क्रियाओं पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि विद्यालय में रहकर बालक संपूर्ण विकास कर लेता है। तो इस तरीके से उन्होंने, महर्षि अरविंद जी ने पाठ्यक्रम को बताया कि उनके सिलेबस कैसे होने चाहिए। तो ये हम एक ऐसा लिख लेंगे, उसके बाद एक एक करके एक्सप्लेन करते जाएंगे कि पाठ्यक्रम कैसा था अरविंद जी के अनुसार से। नेक्स्ट है महर्षि अरविंद के अनुसार से शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि कैसी थी, तो फर्स्ट है बालक को स्वतंत्रता, नेक्स्ट है बालक के प्रति सहानुभूति, नेक्स्ट है मातृभाषा द्वारा शिक्षा, नेक्स्ट है बालक के रुचि के अनुसार शिक्षा, नेक्स्ट है स्वानुभव द्वारा शिक्षा, और नेक्स्ट है करके सीखने पर बल, और नेक्स्ट है परस्पर सहयोग तथा द्वारा शिक्षा, नेक्स्ट है शिक्षा बालक की प्रकृति के अनुसार, और नेक्स्ट है पूर्ण ज्ञान विकसित करना। तो ये है महर्षि अरविंद के अनुसार से शिक्षण की विधियां। तो इसे भी हम एक एक करके एक्सप्लेन करते जाएंगे। फर्स्ट है बालक को स्वतंत्रता। उनका मानना ये था कि बालक को पूरी तरह से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, यानी कि शिक्षण में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जिससे बालक खुले मन से शिक्षा प्राप्त कर सके। तो ये है फर्स्ट शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, बालक को स्वतंत्रता प्रदान होनी चाहिए। नेक्स्ट है बालक के प्रति सहानुभूति। तो बालक के प्रति सहानुभूति किस टाइप की होना चाहिए, बालक को सहानुभूति के साथ शिक्षा मिलना चाहिए, उनके लिए टीचर सहानुभूति रखें। नेक्स्ट है स्वानुभव द्वारा शिक्षा। तो बालक अपने प्रयत्न से अधिक सीखता है। अगर बालक खुद से प्रयत्न करे, खुद से अनुभव प्राप्त करना चाहे तो अधिक से अधिक सीखता है, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए, स्वानुभव द्वारा, वो खुद से स्वयं स्टडी करे। अगर वो खुद से स्टडी करेगा तो वह ज्ञान उसका क्या होगा, स्थायी होगा, जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। तो नेक्स्ट है रुचि के अनुसार शिक्षा। ये है बालक की रुचि के अनुसार शिक्षा। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए अरविंद के अनुसार से, कि बालक के रुचि के अनुसार से, क्योंकि अगर बालक जिस चीज में रुचि लेता है उसे ही वो ग्रहण करने में रुचि दिखाता है, और उसे ही वो ठीक प्रकार से वो ज्ञान प्राप्त करता है। तो इसलिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बालक के रुचि के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट है करके सीखने पर बल। करके सीखने पर बल, अगर बालक प्रैक्टिकली रूप से करता है, करके सीखता है, तो वो क्या है, वो हमारी जो इंद्रियां होती है उसमें क्या है, क्रियाशील होती है। तो वो उस ज्ञान को वो जल्दी प्राप्त करता है, और वह ज्ञान वो स्थायी भी होता है, क्योंकि उसने करके सीखा है, प्रैक्टिकली सीखा है। नेक्स्ट है मातृ द्वारा शिक्षा। तो
मातृभाषा के अनुसार से बालक जल्दी सीखता है। बालक सर्वप्रथम मातृभाषा से सीखता है और ज्ञान प्राप्त करता है तथा जल्दी से जल्दी ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए बालक को मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। नेक्स्ट है ये हो गया आपका ये महर्षि अरविंद के अनुसार से शिक्षण विधियां। लास्ट आप ये लिख सकते हैं, इसमें कंक्लूजन लिख सकते हैं, क्योंकि अभी ये हमारा ये वीडियो भी कंप्लीट हो रहा है। हम आगे की जो और भी हमने सिनॉप्सिस जो बनाया हुआ है उसकी उसको आगे की वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने हैं, जैसे डिसिप्लिन है, छात्र कैसे होने चाहिए, शिक्षक कैसे होने चाहिए, उनके अनुसार आधारभूत सिद्धांत क्या है, मूल्यांकन क्या है, ये चीजें और अभी आपको कंटिन्यू करने हैं। तो ये इतने करने के बाद आप कंक्लूजन दे सकते हैं। अगर इतना पूछ रहा है और आपका ये जो कंप्लीट हो गया है, आपका जो टाइम आपने मैनेज किया है वो कंप्लीट हुआ है, तो उसके बाद आप कंक्लूजन दे सकते हैं कि आपने ओवरऑल क्या पढ़ा। और उसके बाद लास्ट आपका आता है रेफरेंस, यानी जिससे आपने पढ़ा है, तो ये इसका रेफरेंस आप पूनम मदान लिख लीजिए। ओके, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।